हाय गाइस, मेहरबान कदरदान, कैसे आप सब। तो मैं उदयपुर जाने के लिए निकला हूँ, सो लेट द जर्नी विल बिगिन। आपको पता ही है मेरी इंग्लिश पुअर है, देखो आगे का व्लॉग। हाय गाइस, तो इधर मैं स्टॉप पे उतरा हूँ और मेरे साथ ये आर्मी वाले अंकल है और पीछे भी एक अंकल बैठे हैं। तो इन लोगों के साथ मैं खड़ा हूँ जब तक मेरी कार है, और वो जो आग जल रही है हमने वहाँ पे आग भी सेकी है। अंकल एक बार हाय कह दो। हाय। हाँ, इनका बहुत सम्मान कीजिए, ये हमारी देश की बहुत रक्षा करते हैं अच्छे से। तो सैल्यूट सर। और 26 जनवरी आ रही है, तो आपको बहुत बहुत मुबारक। हाय गाइस, यहाँ पे हम पहुँच गए। सो हेयर वी गो, मैं अभी बैराने में जाऊंगा, वहाँ पे जाके खाना वाना खाऊंगा। बाकी का ब्लॉग तो सुबह को ही कंटिन्यू होगा, बैराना में पहले ही बहुत दिखा सका हूँ। सुपरवार मेहरबान कदरजान। सो जैसे कि आप सबको मालूम है, मैं उदयपुर में हूँ और मैं यहाँ पे एक शादी अटेंड करने आया हूँ अकेला। लोल। हाँ, मैं 17 साल का अकेला सफ़र कर रहा हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं कल भी बस में, मतलब टेप यूनिवर्सिटी है इधर अपने अहमदाबाद में, तो वहाँ के आधी बस तो उन्हीं की भरी हुई थी, मतलब सिविल इंजीनियर्स थे, आर्किटेक्चर्स, ये सब थे। तो मैं उनसे मिला, बात बात करी, और पता है क्या, उनका मैंने नाम तक नहीं पूछा। एक्चुअली पता है क्या हुआ, कल हुआ क्या, जैसे ही मेरा बस स्टॉप आया ना, तो मेरा ध्यान में ही नहीं गया, और मेरा बस स्टॉप था, क्या नाम था, रेती स्टैंड ऐसा करके एक नाम था। तो भैया ने बुलाया तो मेरा ध्यान ही नहीं, मैं उनके साथ फ़ोटो खिंचा रहा था। मैं बोला मेरा स्टॉप आएगा तो मुझे आपके साथ फ़ोटो खिंचाना है, और मेरा स्टॉप आ गया था और मैं फ़ोटो खिंचा रहा था, मेरा ध्यान नहीं था। तो बस वाला मेरे को आगे लेके चला गया, फिर आगे बैंक ऑफ बड़ौदा के कहीं यहाँ पर उतारा, फिर आर्मी वालों से मिला जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया। और अभी भी मुझे बहुत सर्दी पड़ रही है, मैं जैसे हाथ रख रहा हूँ मेरा हाथ जम जा रहा है, मतलब इतनी हवा चल रही है, मतलब किसने बोला यार रेगिस्तान या राजस्थान जो भी गर्म होता है, मतलब कितनी ठंडी है यार। पर ऊपर का व्यू बहुत अच्छा है, जैसे मैं आपको व्यू दिखाऊं, ये पूरा व्यू है, बस ख़त्म हो गया। मैं टेरेस पे आया हुआ हूँ क्योंकि मुझे नीचे बहुत सर्दी लग रही थी और मुझे धूप चाहिए। अभी मैं धूप में जा रहा हूँ तो व्लॉग ख़राब आ रहा है, तो वापस मेरे को एज यूजुअल छाँव में ही खड़ा रहना पड़ रहा है। पर आगे मैं बहुत सारी जगह घूमने जाऊँगा, खुद के हिसाब से जहाँ मेरे को जाना होगा, तो वहाँ से व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। सो तीसरा दिन है। तो जैसे कि आप सबको मालूम है, मैं कल शादी में गया था, तो मैंने कहा था आपसे अगर कोई मेरे साथ अच्छी चीज हुई तो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा। तो वहां पे मुझे शादी में 3 नमूने मिले, उन्होंने किरदार निभाया दाला ला जोरदार। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, एक था तेनाली रामन, एक शायद था कोई गब्बर सिंह कह सकते हैं, और एक था चार्ली चैपलिन। उन लोगों के साथ मैंने व्लॉग किया है, मैंने उनके साथ काफी मस्ती करी, क्या तो शायरी सुनाई उन लोगों ने। तो कंटिन्यू करते हैं। आपकी मुस्कुराहट ने जमाने पे सितम तोड़ दिया,
शेख का दीन और ब्राह्मण का भरम तोड़ दिया। जब बन ना सका कोई चांसी सूरत वाला तो आपको बनाकर, सर एक्सक्यूज मी, आपको बनाकर ने कलम तोड़ दिया। वही से वही मिला लो, खाते से खाता मिला लो, नजर से नजर मिला लो, अगला अगला कटवा लो और पिछले में जमा करवा लो। ये शायरी मेरे नाना के साथ उन लोगों ने बोली थी, तो मैं तब रिकॉर्ड करा था। उसके बाद मैं गया ये गब्बर सिंह के पास। मैंने बोला यार गब्बर सिंह की आवाज ऐसे करके आवाज है। मैं बोला चल इसके पास जाते हैं। इसके पास गए, इसके साथ मैंने ब्लॉग निकाला तो उसके साथ चार्ली चैपलिन में घुस गया। अब उसकी आप शक्ल देखोगे ना, क्या हंसी करा रहा है यार। योक 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 चलो कालीवर सिंह नाम है मेरा, चंद्रकांत का होने वाला पति और इस इलाके का सेनापति। चंद्रकांत तो हमारी होगी एक मारो, पर जोर का खजाना भी हमारा होगा, प्राव पर हम दोनों करेंगे। योक 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 चलो। अच्छा मेरे चैनल के बारे में कुछ। हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारा घंटा को दबाइए जी। हम तुमको आगे से आगे वीडियो देंगे जी। थैंक यू बोलने के जी। थैंक यू। Yeah, it's okay, dear. I'm very, very nice, 005. And don't ask my permission, not allowed. I'm shoulder my folder, my alt department, my direction, section, my data, my business, my verify department, and don't question. I'm shoulder my folder, my alt department. Chahi, I'm Rajkumar Thi. Rajkumar Thi. Rajkumar Thi Hengi. Genda Swami. सिर्फ तुम जानते हो। एक बार के दो ना, ये तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे? करेंगे सब लोग, करेंगे मुस्कुरा के। उनसे मैंने नाम पूछा, भैया आपका नाम क्या है? बोले सागर भारती उतारो मेरी आरती। क्या मतलब कुछ भी। अभी मेरा नाम जैसे आशीष सचदेव है तो मैं क्या बोलूं, देवों का देव आशीष सचदेव। मुझे घूमना है, कोई घुमाने नहीं लेके जा रहे, तो मैं सोच रहा हूँ मैं अकेले निकल जाऊँ। सो हाय गाइस, सो अभी मैं आया हूँ यहाँ पे फतेह सागर में। तो जैसा कि मैं आपको व्यू दिखाने वाला हूँ, वो बहुत ज़बरदस्त व्यू है। सो गाइस, ये फतेह सागर का व्यू है। ये जैसा कि आप मोटर बोट देख सकते हैं, वहाँ पे गार्डन भी है, एक पूरा अच्छा सा व्यू है। यू नो हिंदी, हाउ टू कम्युनिकेट इन हिंदी? नथिंग, नॉट लिटिल। नमस्ते, नो नमस्ते। ओह नमस्ते। सो सर अपना इंट्रोड्यूस। हाय, माय नेम इज बेन एंड आई एम फ्रॉम न्यूयॉर्क। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज आशीष सचदेव। आशी, यस, नाइस टू मीट यू आशी। थैंक यू। And what purpose you come here? To see the country, you know, travel, backpack, you know, backpack travel. Okay. And from where you come, US, and so how many countries you would visit? Already, and I've been to maybe 25 countries. 25 countries. Not on this trip, but in the past. That's all. I go traveling every year. I go. So you love India? Yeah, India is really cool. It's very you know, I spent a lot of time in the south. South, you know, Kerala, and Kerala, Goa, Hampi, Mumbai, and now I'm in Udaipur. Do you know today's Republic Day of India? No, what's Republic Day? Today's Republic Day when the Constitution of India is made on today, 1947 to 26 January. So today's Republic Day of is India. Is that why there's so many people out over here? That's why lots of people are taking flags in cars and bikes. Okay. That's why. Okay. Well, happy Republic Day. And subscribe to this guy's channel. Thank you. Guys, यहाँ पे जो मेरे न्यूयॉर्क के फ्रेंड हैं उनके साथ मैं राइड पे निकला हूँ। बहुत मज़ेदार राइड है और हम उदयपुर का सफ़र कर रहे हैं थोड़ा बहुत। एंड यू कैन सी अस। हाय गाइस, सो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एक यूएस के बंदे को घुमाया है, पर एक चीज़ मुझे बुरी लगी कि मैंने उनको 1990s की खटारा में घुमाया है, मतलब कुछ ज़्यादा ही खटारा थी। मैंने कहा भाई हमारे गुजरात में आना, अहमदाबाद में आना, मेरे फ्रेंड्स सारे घुमाएंगे, पर उसके साथ काफ़ी मज़ा आया मुझे। ऐसे नए नए लोगों के साथ मिलना अच्छा लगता है। मैं बस में से भी बहुत सारे लोगों से मिला, इधर भी मिला।
हाय गाइस, सो अभी हम सुखाड़िया सर्कल पे, मतलब मैं सुखाड़िया सर्कल पे बैठा हूँ, थोड़ा वॉक किया, बैठूँगा, 2:30 बजे की बस है और 1 होने वाले है, तो मैं घर जाऊँगा, रास्ता ढूँढूँगा, फिर ब्लॉग कंटिन्यू बस से। पहुंच गए और मैं वेट कर रहा हूं पापा के आने का, तो हम तब तक खड़े हैं। मेरे से बहुत सारे रिक्शा वाले आगे पूछ के गए, चलना है, नहीं चलना है, कोई लेने आ रहा है, पर अब तक आए नहीं है, लेट हो गई है। मैंने देर से फ़ोन किया कि भाई मैं पहुंच गया हूं, तो आ रहे हैं लेने, तब तक कुछ भी नहीं कर सकते। हाय गाइस, सो अभी हम घर पहुंच गए, सो उदयपुर की ट्रिप इधर ही खत्म हुई। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करना, तब तक के लिए टाटा। जो भी लाइक करेगा भैया की तरफ से उसको 2.5 किलो के रसगुल्ले मिलेंगे, वो भी बिगर चासनी के, तो बिगर हैंड दोनों हाथ उठा के बोलिए सच्चे दरबार की जय।